हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आपको पता है कि आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है? तो कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक? तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सब अच्छा नहीं कर रहे हो, किसी का आपका भी अच्छा नहीं होगा, देख लेना। ये कहावत है, डरो नहीं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आप लोग डेली, लगभग 80% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि डेली वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाइयों और बहनों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ताकि आने वाली वीडियोस, मैं लाइव आने वाली हूँ जल्द ही, ठीक है? तो जब भी मैं लाइव आऊंगी, आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करेगी, और उस टाइम आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक? तो चलिए, आज की रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दूं कि आपको किस तरीके से जो है ये रीडिंग देखनी है। किस तरीके से देखनी है का मतलब यही है कि आपको पहले गहरी सांस लेनी है, ठीक है? गहरी सांस लेनी है, उसके बाद से ये वीडियोस देखनी है, ओके? तो गहरी सांस लीजिए 4 से 5 बार, और उसके बाद से ये वीडियो देखिए, ताकि आपके साथ जो रीडिंग है वो रेजोनेट कर पाए। आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और उसके बाद से ये रीडिंग देखेंगे, ओके? आप चाहें तो रीडिंग देखने से पहले ओम के वर्ड का चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है ओम के लिए, ठीक है? यानी कि आप लोगों की हीलिंग के लिए जो वीडियो अपलोड किया है म्यूजिक चैनल पे, वहां से आप लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, और म्यूजिक सुन करके अपने आप को हील कर सकते हैं आप सब, ठीक है? तो आप वहां से भी अपने आप को हील करने की कोशिश करें। आपकी हीलिंग के लिए बेस्ट वहां पे जो म्यूजिक है वो प्रोवाइड किया जाता है, ओके? तो पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, और उसके बाद हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, यानी कि दोनों आज हम करने वाले हैं हमेशा की तरह, ओके? तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। और क्या कहूँ, और बस यही कहूँ कि आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी फैमिली मेंबर है, और फैमिली ही एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, तब तक मैं कैंडल को जलाती हूँ। रेड कलर का कैंडल आज हम यूज करेंगे, ये देखो। और आज है अमावस की रात, ठीक है? तो अमावस की रात को कुछ खत्म भी होगा, है ना? कुछ खत्म भी होगा, और न्यू मून कुछ लेकर के भी आएगा। तो न्यू मून की एनर्जी तो हम कल चेक करेंगे कि क्या वो सोच रहे हैं न्यू मून के बाद, लेकिन आज अमावस की रात है, काली रात, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आज अमावस की रात, काली रात को आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, और क्या कुछ खत्म होगा इस अमावस की रात को, ठीक है? चलिए याद कीजिए आप। ये लो, मेरी कैंडल जल गई। अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, ओके? फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, पूरी तरीके से फोकस रहना चाहिए आपका। ओके, सो यहाँ ऐसा दिखता है जैसे कि आपका, आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है ना, काफी ज्यादा स्ट्रांग सा कनेक्शन है, ठीक है? आप लोगों का जैसे कि कर्मा चल रहा था अभी, ठीक है? अभी कर्मा चल रहा था, यानी कि आप दोनों ही काफी ज्यादा हार्ड सिचुएशन से गुजर रहे थे। आप दोनों की सिचुएशंस काफी हार्ड रही हैं, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के इमोशंस है ना, काफी ज्यादा तकलीफदायक रही हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो है ना, मुझे लगता है कि 15 डेज से आप बहुत परेशान रह रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान रह रहे थे, और उसकी वजह से, परेशानी की वजह से आपने कई हद तक अपने आप को तकलीफ दी है। आपके अंदर जो है ना, एक कहते ना कि पेन है ना, आपको पेन महसूस हो रहा था। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे क्लियर बता रही है कि यहाँ पे आप पेन में थे, ठीक है? और आपके पार्टनर भी, आपके पार्टनर भी वही सिचुएशंस झेल रहे थे, यानी कि पेनफुल सिचुएशंस झेल रहे थे ये पर्सन।
आप दोनों का कर्मा चल रहा था, ठीक है, जो कि आज अमावस्या की रात को खत्म हो जाएगा। आज की रात, अमावस्या की रात आपके कर्मा को खत्म करेगी और कल से एक न्यू साइकिल जो है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ ऐसा है कि आपके पार्टनर ने बहुत पहले दर्द दिए हैं, बहुत तकलीफें दी हैं, आपको गालियां भी दी है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे चेंज होने वाली है और आपकी भी एनर्जी काफी चेंज होगी। कल सुबह आप उठना और देखना कितना ज्यादा आपके लिए जो है ना एनर्जेटिक फील होगा आपको, ठीक। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कल की सुबह जो है ना बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है आपकी। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो कर्मा है या आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। इनकी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर कई हद तक जो है ना पहले अपने बारे में सिर्फ सोचते थे, अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, ठीक। तो ये पर्सन की एनर्जी अब हो चुकी है कि ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, अब आपके लिए सोच भी रहे हैं, अब आपके लिए जल्दी से जल्दी है ना ये डिसीजंस लेने वाले हैं, जल्दी से जल्दी एक्शंस लेने वाले हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एनर्जी में। आपके पार्टनर मुझे लगता है ना कि इनका नेम का फर्स्ट लेटर एफ हो सकता है, जी हो सकता है, के हो सकता है और ए भी हो सकता है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा एक जो होता है ना कि अपने दिल में जो बातें होती है ना उसको छुपाने वाले नजर आ रहे हैं, जैसे कि इनके मन में कोई बातें चल रही हैं और आप जानने की कोशिश करो और पूछो इनसे कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप बताओ मुझे क्या परेशानी है। तो ये पर्सन बताने वालों में से नहीं है आपके पर्सन, अपने दिल में ही बातें जो है ना अक्सर ये पर्सन रखा करते हैं। अपने दिल की फीलिंग्स, इमोशंस जो है ना उतनी ज्यादा शेयर करना ये पर्सन जरूरी नहीं समझते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जरूरी नहीं समझते हैं कि आपके साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आजकल इनका बिहेवियर काफी बदल चुका है आपको लेकर के। पहले हर बात शेयर करते थे, अभी जो है ना यहाँ पे ये पर्सन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा मुझे नजर आ रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स में से किसी एक की फीलिंग्स हो सकती है, एक जो है बहुत ज्यादा देना चाहता है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा दिन रात जो भी अपने पार्टनर के सपने हैं, जो भी उसकी चाहत है वो पूरा करना चाहता है। लेकिन कोई एक दूसरा है जो कि यहाँ पे रिलेशनशिप में बार बार आता है, जाता है और कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि जब जरूरत महसूस हुई, जब ज्यादा जो है याद आने लगी, तब अपने पर्सन को याद कर लिया, तब अपने पर्सन को मिल लिया, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन का, कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आप ज्यादा दे रहे हो और आपके पर्सन जो है ना बार बार जो है ना यहाँ से मूव करने की एनर्जी में दिख रहे हैं। बार बार जो है ना ये आते हैं, फिर कुछ टाइम बातें करते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं और अचानक से इनका माइंड चेंज हो जाता है एकदम से। अचानक से जो है ना ये समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं। आई थिंक आपने कोई रील डाली है इंस्टाग्राम पे, है ना, और इंस्टाग्राम पे डाली है या फिर आपने शॉर्ट्स वीडियो डाले होंगे यूट्यूब पे, है ना, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके शॉर्ट्स वगैरह देखे जाते हैं आपके पार्टनर के द्वारा, ठीक है। और आपने अपनी कोई पिक वगैरह भी अपलोड किया है जिसको लेकर के ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। कोई व्हाइट कलर की ड्रेस हो सकती है, रेड कलर की ड्रेस हो सकती है, येलो कलर की ड्रेस हो सकती है आपकी, आपने जो भी पहन रखा है उसमें आपकी एनर्जी जो है ना और ज्यादा आपका चेहरा खिला खिला नजर आ रहा है, जिसको देख करके इस पर्सन के अंदर जेलसी हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को जेलसी फील हो रही है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से ये पर्सन जेलस हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपने कुछ वहाँ पे टैग वगैरह कुछ कमेंट वगैरह भी किया हुआ है, जो कि देख करके इस पर्सन के अंदर जो है ना कि बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है इस पर्सन को। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि यार ये इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकती है या कैसे बढ़ सकता है मेरे बगैर, इतना ज्यादा आगे ये बढ़ कैसे गया या बढ़ कैसे गई, है ना।
तो यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना बार बार उसी के बारे में इनके दिल में, इनके मन में, इनके थिंकिंग में चल रहा है कि क्या है ये, क्या बदलाव क्या आ रहा है, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, मुझे इतनी जेलेसी हो रही है और उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन जो है ना ये ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे इनका कोई फ्रेंड दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जो कि मैनिपुलेट करता है आपके खिलाफ इस पर्सन को, और ये पर्सन बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन बहुत जल्दी किसी की बातें मान लेते हैं। किसी कोई आपके बारे में बोल रहा है तो वो जो है ना ज़्यादा सोच लेते हैं आपके पार्टनर, ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये जो आज अमावस्या की रात है, ठीक है, अमावस्या की रात ये खत्म करेगी आपके और आपके पर्सन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको पूरी तरीके से अमावस्या की रात खत्म कर देगी। ठीक, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ कर दिया है आपने, है ना। और अब जो है ना आपको लेने का टाइम है, यानी कि अब जो है आपका कर्मा भी कंप्लीट हो गया, इस पर्सन का कर्मा भी कंप्लीट हो गया। तो अब फाइनल यही है कि आप दोनों के बीच में जो नया साइकिल आ रहा है, जो नया साइकिल आरंभ होने वाला है, इसमें बड़े बड़े चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो ये पर्सन सोच रहे हैं चेंजेस क्या लेकर के आएंगे, तो चेंजेस लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे, ठीक है, और आपको प्रपोजल भी देंगे। और जो ये गलती कर चुके हैं, जो ये गलती कर चुके हैं, ये गलती जो है ना यहाँ पे ये नहीं दोहराएंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। गलती जो है ना ये पर्सन नहीं दोहराएंगे, आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे फील हो रहा है ये पर्सन एकदम से स्ट्रिक्टली जो है ना आप जो कहोगे वो फॉलो करेंगे ये पर्सन अब, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, यही फील कर पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के काफी जो है होता है ना कि कभी कभी ज्यादा सीरियस हो जाना, है ना, तो कभी कभी ये पर्सन सोच करके सीरियस हो जा रहे हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हो जा रहे हैं। और तब इनको फील हो रहा है कि यार मुझे जो है ना चलना चाहिए क्या, एक बार डिसीजन ले लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में दिमाग में वो सारी बातें जो है ना यहाँ पे घर कर रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं कि ये पर्सन बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। ये पर्सन का मेन यही है कि मुझे चलना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में दिमाग में जो है ना वो सारी बातें मैं देख पा रही हूँ कि इनके दिल में दिमाग में वो सारी चीजें जो है ना आ रही हैं, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि आप ट्रैवल करने वाले हो या फिर आपके पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि आपको पता है। और ट्रैवल के दौरान से कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा क्यों कहीं जा रहा है, या ये पर्सन ऑनलाइन जब भी रह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मेरे लिए सीरियस नहीं है, ठीक है, सीरियसनेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपको ऐसा फील होता है कि क्यों ये मुझे छोड़ करके ये किसी और से क्यों बातें करता है, ऐसी आपकी फीलिंग्स जो है ना आ जाती हैं कभी कभी। ओके, यहाँ पे आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको कमिटमेंट देने के सोच रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और कमिटमेंट देंगे। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आने वाले टाइम पीरियड में बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ इनकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे, इनकी बातों में चेंजेस आएंगे। आपको जिस तरीके से ये पर्सन रूड नेचर से आपको बोलते हैं, रूडली बात करते हैं, बोलते हो कि तुम मुझे भूल जाओ, है ना, तो ये सारी सिचुएशंस अब चेंज होने वाली है, क्योंकि ये जो अमावस्या
की रात है, बहुत कुछ खत्म कर रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हर एक चीज को खत्म कर रहा है ये अमावस्या की रात। ठीक है, तो अमावस्या की रात जो काली रात है, ये काली काली चीजें जो भी हैं आप दोनों के बीच में जो है, ये सारी चीजें जो है ना, मुझे स्ट्रांग सी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये पर्सन सब कुछ भुला देंगे। ठीक है, देखना आप कल से बहुत बहुत ज्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक जो होता है ना कि हाँ, आपको खुद फील होगा कि हाँ, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा। कल की रीडिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे है ऐसा, ठीक है, कि आपको फील होगा बहुत ज्यादा। चलिए फिर टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं आप कि क्या है, आप दोनों की एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस आएंगे और कैसे चेंजेस होंगे। वो आपके जो पार्टनर हैं आपके पास, ये 15 दिनों में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, सारी एनर्जीज हम निकालते हैं। ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। आप लोग अपने पर्सन के बारे में बस सोचते रहो। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पार्टनर हैं, देखो आज की रात की मैं बात करूं तो आज की रात ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूं ना तो ये जो पार्टनर हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, आपको देखने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरीके से जो है ना, एक आपके ऊपर नजरें बनाना है ना, नजरें बनाना, नजरे चुराना, मुझे ऐसे सॉन्ग चैनल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है ना, नजरे रखेंगे ये आज आपके पार्टनर। आज की रात ये पर्सन पूरी रात सो नहीं पाएंगे, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो आज की रात जो है ये दर्द में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। आपके सामने कार्ड्स आए हैं, दर्द होगा, तकलीफ होगी, इनको बेचैनी होगी और कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये पर्सन को लाइफ में हुआ क्या है, ये फाइनली ये इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इन सारी चीजों से इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों हो रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे और आज जो है ना, मुझे नजर आ रहा है कि आज जो है आपके पार्टनर बहुत, देखो ये पर्सन सोचने तो बहुत ज्यादा वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचेंगे और अपने फाइनेंसेस, अपने करियर के बारे में भी कहीं ना कहीं इनका जो है ना, मैं कह रही हूं ना कि आज अमावस्या की रात को खत्म होगा ही होगा, तो कुछ लोगों से इनका रिश्ता भी टूटेगा, कुछ लोग इनको आज रात में धोखा भी देंगे, कुछ लोग जो है ना इनको एकदम से बोल देंगे कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका जो रिलेशन है कहीं हद तक खत्म हो जाएगा, कहीं हद तक खत्म हो करके ये पर्सन फाइनली इनको, इनको जो है ना ऐसा फील होगा कि ये अब इनसिक्योर हो गए हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, इनको आपकी याद आएगी और इनको जो है ना, आपकी याद आने के बाद से नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके पास जो है ना, अपना संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। रात भर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, बहुत डीप सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचने के बाद से फाइनली इस पर्सन का डिसीजन ये होगा कि फाइनली मुझे चलना चाहिए उसके पास, है ना, डिसीजन लेकर के, सिचुएशंस को संभालने के लिए, है ना, बहुत सारी सिचुएशंस को समझ करके, सोच करके, है ना। और ये पर्सन का ऐसा रहेगा कि ये पर्सन आपके तरफ आएंगे वापस। ठीक है, यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड,
क्लियर बता रहा है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन आज दिन में भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, दिन में भी जो होता है ना कि हाँ सपने देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे हसीन से सपने देखना, लेकिन क्या है हसीन से सपने देख लिए लेकिन साकार क्यों नहीं हो रहे, तो ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ना, सिर्फ बैठे हैं, बैठने से थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सिर्फ बैठे हैं और बैठने से कुछ भी नहीं होता, आपको भी पता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन फाइनली, यहाँ पे मुझे लगता है ना कि इनकी मम्मा बहुत ज्यादा रूड है ना, या फिर ऑलरेडी इनकी मैरिज हो रखी है जिसकी वजह से इनकी वाइफ हो सकती है ये, जिसकी जिसका कंट्रोल रहता है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, और इसी की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में जो है ना सोचने वाले हैं, और यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी एंड रीयूनियन यहाँ पे दिख रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे रीयूनियन की, आपकी जो एनर्जी है आपसे कनेक्ट हो रही है इस पर्सन की एनर्जी, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, आप बेफिक्र रहिए। ये जो न्यू मून आ रहा है ना आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है। ठीक है, सो आपको जो है ना बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, और दुख के दिन अब गए। ठीक है, आज की रात अमावस्या की रात के दिन खत्म हो गया, और कल कल की सुबह आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी सुबह होगी, ईश्वर से प्रार्थना है ये। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।